यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार ने लागू करने की घोषणा की है, उसके अंदर एश्योर्ड पेमेंट पेंशन का व्यवस्था की गया है। जो भी 25 साल की सेवा देने के बाद रिटायर होंगे, उनको लास्ट 10 मंथ का जो बेसिक है उसका 50% जो है एश्योर्ड पेंशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अच्छा पहल है, हम लोग इसका वेलकम करते हैं, लेकिन जो हम लोग का डिमांड है, जो मांग है, उसके लिए हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा होते ही अब इसे अमली जमा देने की कवायद शुरू हो गई है, जिसे लेकर कटिहार में मंडल रेल प्रबंधक ने रेल से जुड़े एम्प्लॉयज यूनियन के साथ बैठक की और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फायदे गिनाए। तो वहीं कर्मचारी यूनियनों की माने तो केंद्र सरकार की ये घोषणा उत्साहजनक है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए मांगे जारी रहेंगी। दरअसल स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर कटिहार मंडल रेल कार्यालय परिसर की है, जहां डीआरएम सुरेंद्र कुमार और एनएफ रेलवे से जुड़े एम्प्लॉयज यूनियन यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर मीट कर रहे हैं। इस मौके पर डीआरएम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम सुनिश्चित पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन स्कीम की गारंटी देता है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीनों में उनके औसत मूल वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। न्यू पेंशन स्कीम लागू हुआ था, उसके बाद से इसमें बहुत सारी विसंगतियां थी और जिसके कारण कर्मचारियों में काफ़ी रोष भी था, और उसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने पिछले साल डेढ़ साल से कमेटी बनाई हुई थी, जिसके रिकमेंडेशन पे ये यूपीएस लागू किया गया है। एनपीएस में जो मेन मुद्दा था सभी लोगों का संतोष का, उसमें सारा कुछ जो था एसवर्ट कुछ भी नहीं था, सारा कुछ था मार्केट पे डिपेंड करता था कि इसको क्या मिलेगा, भविष्य में क्या स्थिति होगी किसी को पता नहीं था। लेकिन अभी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार ने लागू करने की घोषणा की है, उसके अंदर एश्योर्ड पेमेंट पेंशन का व्यवस्था की गया है। जो भी 25 साल की सेवा देने के बाद रिटायर होंगे, उनको लास्ट 10 मंथ का जो बेसिक है उसका 50% जो है एश्योर्ड पेंशन दिया जाएगा। पिछले वाले जो एनपीएस में थे कर्मचारी का डिमाइस डेथ होने के बाद उनकी फैमिली का क्या होगा ये भी कुछ निश्चित नहीं था, तो अभी जैसा कि आपने देखा कि जो इमीडिएट पेंशन मिल रहा था उसका 60% उनकी फैमिली को भी दिया जाएगा। इसके अलावा लास्ट में लमसम पेमेंट की व्यवस्था की गई जो पहले नहीं थी, और जो इन्फ्लेशन के साथ भी मर्ज किया गया इसको है, जो इन्फ्लेशन के कारण जो व्यवस्था हो रही थी वो भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सबको प्राप्त होगी। तो इस तरह से सामने जो दिखाया गया कि ये न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या अंतर था वो बताया गया, जिससे कि अभी पिछले जो न्यू पेंशन स्कीम था उसे बहुत ज़्यादा बेहतर करके बनाया गया इसको है। अब ये कर्मचारियों पे निर्भर है कि वे एनपीएस में जाना चाहते हैं या यूपीएस में जाना चाहते हैं। सामने से देखने से यूपीएस बहुत ही बेहतरीन प्रतीत हो रहा है। जो भी संगतियाँ थी न्यू पेंशन स्कीम में उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। सर, डिवीजन के कुल कितने जो है कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे, और खास करके जो रिटायर्ड कर गए हैं क्या उनके लिए क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से फिर उन्हें आप यूपीएस का लाभ दिलाएंगे? यूपीएस में लाभ जो है पुराने जो रिटायर्ड कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके थे उनको भी दिया जाएगा। एग्जैक्ट फिगर तो अभी पास में नहीं है, ये अभी वर्कआउट किया जाएगा, लेकिन कोई भी कर्मचारी इसे वंचित नहीं रहेगा। अगर वो यूपीएस में लेना चाहते हैं तो उनको जो सारी जो भी फायदा या जो भी बेनिफिट मिलेगा सारा का सारा दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे। कितने कर्मचारी हैं? एग्जैक्ट नंबर तो पास में नहीं है, लेकिन जो भी होंगे सबको निकाल करके उनको दिया जाएगा। अब हमारे पास तो डाटा तो ऑफिस में है, लेकिन अब उसको अभी चूँकि ये अभी आया ही है तो जिन जिन को मिलने का होगा उनके साथ हम लोग कॉन्टेक्ट करेंगे और सबको दिया जाएगा ये। मगर रेल से जुड़े एम्प्लॉयज यूनियन इससे अपनी मांगों का अंत नहीं कह रहे हैं। उनकी माने तो सरकार की यह घोषणा उत्साहजनक है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए उनकी मांगे जारी रहेंगी। हम लोग एक सार के तौर पर एक शब्दों में इसका बयान करना चाहते हैं कि एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के केंद्रीय समिति, मंडल समिति एवं शाखा समिति के साथ साथ एनएफ आई आर के 20 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद ये माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो यूपीएस लाया गया है उसका हम लोग तहे दिल से
हार्दिक बंधन नंदन एवं अभिनंदन करते हैं। लेकिन जो हम लोगों का डिमांड था ओपीएस के समतुल्य यूपीएस में भी जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, खासकर रेलवे कर्मचारी जो 13 लाख रेलवे कर्मचारी हैं, उसके हित के लिए हम लोगों का जो मांग है वो बरकरार रहेगा। और जो भी सरकार रेल के श्रमिकों के हित में निर्णय देगा, हम लोग उसमें उनके साथ रहेंगे। मतलब संघर्ष विराम नहीं होगा? बिल्कुल नहीं विराम होगा जब तक ओपीएस नहीं मिल जाता है। ओपीएस नहीं, अगर आप यूनिफाइड पेंशन सिस्टम किए हैं तो कम से कम ओपीएस में जो उसके समतुल्य हम लोगों का जो मांग था वो हम लोगों को मिलना चाहिए। फिलहाल कितनी राहत मानते हैं इसको? एक अच्छा पहल है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अच्छा पहल है, हम लोग इसका वेलकम करते हैं। लेकिन जो हम लोग का डिमांड है, जो मांग है, उसके लिए हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। देखिए 2003 में नोटिफिकेशन के जरिए ये एनपीएस आया था, तब से लेके आज तक लगभग 20 साल ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन तथा एनएफएल में मजदूर यूनियन इस एनपीएस के खिलाफ संघर्ष किया। समय समय पर विभिन्न तरह का प्रोग्राम हम लोग आयोजित किए। हम लोगों का एक मांग था कि एक निश्चित पेंशन, निश्चित मिनिमम अश्योर्ड पेंशन जो ओपीएस में हमें मिलती थी, मांग हमारा ओपीएस था। लेकिन पिछले 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो भी फैसला यूपीएस के रूप में आया, मैं यूनियन की तरफ से उसको तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। एक अच्छा कदम है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, एक अचीवमेंट है। लेकिन ओपीएस के साथ अभी भी कुछ मतलब डिफरेंसेस हैं, जिसको लेकर के हम लोग अपने लड़ाई शुरू किए थे, और जिसको जब तक न मिले हमारा जो प्रयास है वो जारी रहेगा। और हम आशा करते हैं, विश्वास भी करते हैं कि सरकार हमें इस बात को जो हमारे रह गए ओपीएस से उसको भी मानने का काम करेगी। संघर्ष जारी रहेगा? बिल्कुल 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 रहेगा। ओपीएस कोई एक दिन में आया हुआ चीज़ नहीं है ना, पहले पेंशन स्कीम आया, उसके बाद समय समय पे विभिन्न तरह का मांग आया, अमेंडमेंट्स होते गए, अब यूपीएस आया है, उसमें जो भी खामियां रही है, लेट द नोटिफिकेशन कम, नोटिफिकेशन आने दीजिए पहले उसको, फिर से हम लोग ये करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, और जो भी रह गया है उसके लिए हमारा जो लड़ाई या प्रयास वो जारी रहेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लागू होने से देश के 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा होने की उम्मीद है, जिसमें अकेले 13 लाख कर्मचारी रेल से जुड़े हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।